नमस्कार, मैं हूं अनामिका सिंह और आप देख रहे हैं डीडी। जेडीयू नेता और चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर आज सीएम और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार से मुलाकात करेंगे। सूत्रों के हवाले से जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक शाम तकरीबन 4 बजे पीके के सीएम नीतीश से एक अन्य मार्ग में मुलाकात होनी है, जिसमें सिटीजन अमेंडमेंट बिल को लेकर पार्टी के स्टैंड पर चर्चा होगी। आपको बता दें कि इस बिल का जेडीयू ने समर्थन किया है, लेकिन जेडीयू नेता प्रशांत किशोर लगातार इस बिल को लेकर पार्टी के फैसले का विरोध कर रहे हैं। प्रशांत किशोर सिटीजन अमेंडमेंट बिल को जेडीयू के संविधान के खिलाफ बताया और पार्टी को 2015 विधानसभा चुनाव याद करने की नसीहत देते हुए कहा कि सीएमई का समर्थन से पहले उनके बारे में सोचना चाहिए था, जिन्होंने भरोसा कर 2015 में जेडीयू को चुनाव जितवाया था। आपको बता दें, प्रशांत किशोर को जेडीयू ने चेतावनी भी दी है और यहाँ कहा भी है कि जो लोग पार्टी लाइन से बाहर जाकर बयान देंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। कल जेडीयू महासचिव आरसीपी सिंह भी पीके पर भड़के हुए थे। उन्होंने कहा कि वे कब पार्टी में आए हैं, वे अभी कहाँ हैं, ट्वीट करने से कुछ नहीं होता, उन्होंने संगठन के लिए कोई काम नहीं किया। आज पीके और सीएम की मुलाकात पर सबकी निगाहें टिकी हुई है, क्योंकि माना जा रहा है कि प्रशांत किशोर ने जिस तरह से पहले अपनी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोला और बाद में उनकी पार्टी के नेता उनके खिलाफ खुलकर बयान दे रहे हैं, उससे जेडीयू से पीके का रिश्ता टूट सकता है। देखना होगा कि सीएम से मुलाकात के बाद क्या होता है, पीके की शिकायत दूर होती है या फिर पीके के बयान पर सीएम की नाराजगी, या फिर नीतीश और पीके के राहें जुदा हो जाती है।